सवरिया भोले बाबा जोगियो रो होला। अगर बाप वीर सपूत है तब बेटवा भी वीर हुई। तनी एक ईटा कम में रही लेकिन होई है। कवि जी लेखनी में इशारा करत हुन का लुधियाना कायम रजी तन्ना हरी अरे जो नामी जिला में पहलवान था अरे तो साइमन लुईस को लंदन से बुलवा लिया अरे कुश्ती लड़ ले जो चाहे भारी ऐलान था समझला ई देश हमार सोने के चिड़िया भारत देश में अंग्रेजन के 200 साल तक हुकूमत रहल अंग्रेजन का इतना अत्याचार इतना अत्याचार इतना अत्याचार छोटा छोटा दुदमुहा बच्चा के आकाश में उड़ा करके तलवार के नोक पे लोक लेवल जात रहल सरेआम माताओं बहनों की इज्जत को नीलाम कर लिया जाता था बगावत हो गई दो दल रहल एक नरम दल एक गरम दल नरम दल में महात्मा गांधी जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके देश को आजादी दिलाए और गरम दल में सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह राजेंद्र लाहौरी ए भैया आजादी मिलल लेकिन एक कहानी मिल गई पंजाब से पंजाब में लुधियाना और लुधियाना के अंतर्गत पहलवानन का जमावड़ा लगल है कुल पहलवान आपस में रियाज पानी बनावत रहलन अरे वाह और उसी समय वही अखाड़े पे एक पहलवान जिनकर नाम रहल अमरजीत लुधियाना का अमरजीत पहलवान अखाड़े पे रियाज मारत हुआ और वही समय साइमन एक अंग्रेज रहल जिनकर नाम रहल साइमन और साइमन लंदन से एक अंग्रेजी पट्ठा के बोलौलन जेकर नाम रहल लुईस और बुला के हिंदुस्तान में ऐलान करा देलन जेकर मन हो आके लड़ दे अगर कोई भारत में अपने माई का दूध पीले हो तब बर्दाश्त ना भइल क्रांतिकारियन से कहलन कि डब्बा का दूध पिए वाला थोड़ी है मतारी का दूध पी के जवान भल है लेकिन एक बात ललकारत हुआ का ललकारत हुआ गीत है ये गीत देखा रामद्रीज भैया हमारे जन्म के पहले कह अभी काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है उपेंद्र चचा एकदम खिचड़ी हो गल है कोई भी उठा था काबे में तेरा कर देता वो होता कि भैया हमारा बिरहा बड़ा चाँप के हो गल एक दिन बिरहा रहल हमार गौरा अब हम चाँप के रियाज से बिरहा गौली पसीने पसीने होके बैठली एक गवैया रहला खड़ा होके गौलन आ गा के बैठलन मंचवा के पिछवा जाके बतियावत रहलन चाँप दिली इनके आज बोली न निकली हम कहली कि भैया हमार बोली एकदम गूंग हो गल है हमके क्षमा करा बहुत बढ़िया से गौला कवि जी से कहली कि तनी से के बदल के हमारे जन्म का पहले का गीत है आप लोगन का चीत परचित है कौन
भाव कितना बढ़िया है। क्रांतिकारी ललकारे धुवन देखा एक कवि जी का लेखनी हुंकार भरत है कैसे, अरे तो जान गवा के, अरे जान गवा के आन बचा करके आन बचा लो दे करके कुर्बानी पानी के पानी पानीदार पहचानी, जे पानीदार रही वह पानी के पहचानी। पानी देखा अगर चढ़ जाला तो ओकर कीमत बढ़ जाला, तनी से चेहरा बनावट खराब हो लेकिन ऊपर पानी चढ़ल आदमी कहल कि हाँ तो चेहरा पे करे पानी है बड़ा बढ़िया है, फेशियल ओशियल करवा ले आ वही पानी हीरा जवन हो हीरा पे चढ़ जाला तो ओकर कीमत बढ़ जाले, भले नकली सिकड़ी रहले लेकिन सोने का पानी चढ़ जाला तो वहू का कीमत बढ़ जाले। पानी के पानी पानीदार पहचानी। बिरहा में देखा एक दूसरे का पूरक स्वर्गीय रामदेव गुरु और स्वर्गीय बुल्लू गुरु। इन लोगन में बिरहा जब हो तो बड़ा कटाक्ष हो, बुल्लू गुरु तनी से लचकाय के गाँव में कैसे कहे ए बुल्लू गुरु बड़ा कमे में लहा ले, बड़ा महीन कलाकार रहल हालांकि देखले ना है सुनले है लेकिन हमार सौभाग्य हो कि वही कुल घराने में हम पलल बढ़ल है सीखे के मिलल बा। बुल्लू गुरु कहे कैसे कहे कि पंजाब प्रांत के अंदर लुधियाना जिला शहर है, सतलुज के नदी किनारे एक सुंदर बसा शहर है, उन्नीस सौ अट्ठाईस में साइमनी कुछ अपना कानून लाया, लखपत राय साथ कुछ साथी विरोध में अलख जगाया, अरे लाहौर में 30 अक्टूबर लखपत पर लाठी बरसाया, 17 नवंबर को वो दुनिया से हुए पराया। समझ लो 1928 में साइमन कुछ अपन कानून लेकर के आल हलन और अपना कानून हिंदुस्तान में लागू करना चाहता था। लाला लाजपत राय साथ में तमाम कुछ साथी लोग विरोध कर देलन और जब विरोध कैलन तो 30 अक्टूबर के लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज कैलन। 30 अक्टूबर के लाठी चार्ज भयल और 17 नवंबर के लाला लाजपत राय इस दुनिया से विदा हो गईलन। जब विदा भल हुआ तो क्रांति क्रांति के 16 भड़क गई। अब आवा एकदम गुरुजी वाली अरे तो पीरो नहीं में जारी
नाते में तोहर भाई लगे हैं। लड़का लगी, लड़का लगी है। तब वो अंग्रेज है ना, वो अंग्रेज हुआ। हमसे अंग्रेज हुआ, आगल मर्दवा। अंग्रेज देख के तुमके टेंशन हो गल है ना, ये बहुत टेंशनदार आदमी हुआ, इनके टेंशन बहुत होला। जला ए शिवा, इनके टेंशन बहुत होला। कौन बात कर? एक दिन बाइक लेके जात रहलन नारायणपुर, जब डकलन तो एक मेहरारू हाथ मल्लस रुकलस, रुक गेलन कलन कबो जिंदगी में मेहरारू हाथ मल्ले ना है, रोक लेलन बाइक कलन कि हाँ भैया बोला तो कहे कि हमें अदल हार्ट तक लिफ्ट चाहत है। लिफ्ट मने तनी घर जात हुआ तो हमें छोड़ दिया, बैठा के बड़ा खुश भइलन। आ जब तनी से आगे टोल प्लाजा डकलन तो करे लगल चक्कर आवे उल्टी होए, अब इनका टेंशन बढ़े लगल। जात जात आगे अहरोरा के पहले में जौन है कि गाड़ी लेके कहीं ना कि अस्पताल रह, वही अस्पताल में हला दलस, डॉक्टर चेक कैलस लेडीज के, तो बहरे निकल के इनकर पीठ ठोकलस कलस की वाह वाह शाबाश, कला कैसन, कला की यहू उम्र में, कला कैसन, कला घबरा मत तू बाप बने वाला हुआ। अब इनका टेंशन बढ़ गया कि सरवा हमें के जनता ना बड़ी एक लड़का का कुल बाप बनावत हूँ। कहल कि भैया हम ये लड़का का बाप ना है, कल मेहरुआ निकल के आई कल की झूठ बोलत हो, नहीं लड़का का बाप हूँ। अब इनका टेंशन और बढ़ गल, डॉक्टर कहलन कि रुका मशीन है, हम अब चेक कर देते। मशीन में जब चेक भयल तो डॉक्टर रिपोर्ट लेके आयल कलस की जा तू तू निर्दोष हुआ, कल का निकलल है कलन कि तू कबो बाप ना बन सकता। बड़ा खुश भइलन, लेके बाइक लगभग एक किलोमीटर और आगे गइलन तो एकाएक ब्रेक मार लेलन। कल सरवा डॉक्टरवा कहल सकी हम कबो बाप ना बन सकी, घरवा चठलैकवा तब के कर हुआ इनके बाऊ का दिया दिखावत रहा। नहीं सही है, तू कैसे जनला है बात, यह दिया दिखावत रहा। नहीं सही है, लोगन के इज्जत इतने में समझला कि इनकर बाबू जो है कि इनके मेहरारू के लड़का हो ना, ये दिया दिखाऊंगा। क्या इज्जतदार आदमी है आप लोग, भगवान भी तू लोगन के कौने साचा में बनौले हुए उस साचा के फोड़ दिले हुई है कि इकट्ठे जाए ठीक है, यही से शिवा तो लोगन के ठीक मारला। ए भैया बात का समझला, पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो लगल साइमन के, और साइमन विरोध के देख के एक उपाय लगौलस। पहलवान लोग कुश्ती लड़त रहलन, वही एक लुइस नाम का पट्टा लंदन से बुलवाई के ऐलान करा देता है, जेके मन करा आके लड़ ले। अब ओके शरीर देख के कोई ओकरे लगे ना जाता, लेकिन वही लुधियाना के अमरजीत पहलवान जाके हाथ मिला लेलन। जब हाथ मिला लेलन तो कुश्ती का दिन पड़ गया कि रविवार के दिन कुश्ती होई। अंग्रेज साइड में बुला के कहलन कि जीत तो ना पैबा, लेकिन तभी सुनला अगर पटक देहला तो जान से जैसे लाला लाजपत राय मराए गईलन वही तरह तहू मराए जेबा। अगर हार जेबा तो तोहके इतना रुपया मिली कि कबो देखले न होबा, दू चार पुस्त तोहार बैठल खाई। मन मसोस के घरे अइलन और अमरजीत पहलवान के पत्नी रहलिन शीला, दूध लेके अइलिन कहलिन कि अखड़वा से रोज आवत आला तो चहकत रहला, आज कैसन तोहार मन उदास हो। सारी बात के बतौलन तब शीला देखा जोश भरत है, लेकिन गीत कवन है के कई लोग बदल बदल के गौलन ओ जमाने में गवाए का करे सास मारता नावा, अरे नदी मारता नवा तनवा होई हो मारना कि तनवा होई हो मारना कि हमारे आगे कबीटीनी तनवा अयो मारना। लेकिन यही गीत के तई से बदल के गवायल जला सिवाय गीत कब गवायल, जब लाल बरच्चा मोछ छिलवौलन तब। कैसे गवायल
घर में बापी तू रखुंडा, अरे ते घर में बापी तू रखुंडा, चढ़ के घूम हीरो हुंडा, बड़का गुंडा भोई बा कि बड़का गुंडा भोई बा कि भोईल बाड़ मोछ मुंडा, बड़का गुंडा भोई बा सुनके, अरे पति के मरनवा सुनके, अरे कर जल पाचन नवा तनवा सोला उगलना कितनवा सोला उगलना कि तोड़ी दा दुश्मन का घुमानवा तनवा सोला उगलना कि तोड़ी दा दुश्मन का घुमानवा अंग्रेज के ललकर ले तू मन मार ले हला। सुना जान रहा चाहे जाए लेकिन कदम पीछे न हटाए। एक बात और सुन ला का ललकार था सेरे बबर के विधवा, सेरे बबर के विधवा हो के दिन बिताई, मऊगा मरद के रहते मऊगा मरद के जियते हम मर जाई, आदमी का विधवा बन के जिंदगी जी ले वो कबूल है, लेकिन मऊगा मरद का मेहरारू कहावल हमके तनको गवारा ना हो। सुना शान से जा, अगर जान चल जाई देश के पीछे तो तोहार विधवा बन के गर्व से जिंदा रहो, और घर में रहबा डराय के पटकाए जाइबा तो बुजदिल का मेहरारू बने से बढ़िया है कि हम शेर का विधवा बनी। जा भारत, भारत माता का लाल हुआ, जब हौसला बढ़ौलस तब ओकरे बाद लगलन सोचे कि कहिया तवार आवे, और जब रविवार आयल हो तो चलल हो अखाड़े पे कैसे देखा तर्ज हो। आहे देखाई गीत तू हो कमान लालमुनी चचा, रामदेव गुरुजी का बुल्लू गुरुजी का धुन सब गौलस माँ मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया, तमाम तमाम गीत हो लेकिन ये जो धुन हो ये बिरहा में सब ना गौलस। दू चार थे गिनल चुनल कलाकार हुवन जो कि एक गौलन त हाँ वही के गावत है, तनी से कुल गीतिया पावर मांगे ले ना, इसे तनी से बचाऊ के गावे के होला। तो आवा कवन गीत हो ना
के तनो सताई सतत नहीं बुनवा ए अरे के तनो सताई सतत नहीं बुनवा कमन भया लयाव गुनवा हो राना माइक वाले सुत गल हुआ का ऊपर का और उठा दा चला तो चली हो भाई लेना अरे तो कुश्ती नवा जवा नवा चली हो भाई लेना एक तरफ अमरजीत अपायतरा बना लेलन अपायतरा बनाए के हाथ जब मिलौले हुए तब ले एक काम कैलन का अरे हाथ मिलावत उठा के पटका अरे हाथ मिलावत उठा के पटका माने नहीं बेईमानवा हो रामा हो भाई लेना कि माना नहीं बीच भाई मनावा जवानावा चली हो भाई लेना कि माना नहीं ए भैया आया लखाड़े में आया उता हथवा मिले उता आ तबले मार धलस ढाक जे पहलवान भैया लोगन हुई है जे कुश्ती जानत हुई है ते ढाक दाव होला आप लोग समझ गल होबा हथवा मिले उतर तुरंत ढाक पे लेके टांग से पटक देना दरिया एक मिनट भी ना बीतल तबले अंग्रेज कहलन कि अरे ई तो धोखा है कल साहब धोखा नहीं है चलाकी है टेक्निकल है कल ना कुश्ती दोबारा हो ना मनलन आ जब दोबारा ना मरलन तो फिर से जब पैतरा बनाए के सामने अलन है आ दोबारा जब सामने अलन तो अमरजीत पहलवान धोबिया पाट पे उनकर प्रमुख दाव रहा धोबिया पाट पे दोबारा दाई से पटकल लगल आकाश तक है चढ़ के सीना पर लगलन दुमचा कल बोल बोल कुश्ती भइल कि ना तले साइमन कहलस कि इसको मुआ देगा सिटी न दे भैया अरे तो सिटिया तक कंट्रोल कला बढ़वा देली तो फांसी का सजा वाली घटना तो नहीं कर देली अपराध सिटी दे था तो कम कला बढ़वली तब अपराध ऐसा नहीं कैले भैया ए भैया साइमन बोला है रेफरी को इसको जीत दे दो
रेफरी इशारा पे जीत दे दहलस, और जब जीत दे दहलस तब कहना है का अरे तब बोली से निकले बंदे मातरम, अरे बोली से निकले बंदे मातरम, अरे जान नजर बंद कर लिए, जान नजर बंद कर लिया गोरो की टोली, जान नजर बंद कर लिया गोरो की टोली, बोली से निकले बंदे मातरम। तो जश्न मनाते भारतवासी, अरे जश्न मनाते भारतवासी, भारत माता की जयकार। इसी मौके का लाभ उठाए जवान को लेकर हुए फरार, घर में शीला को चैन नहीं, घर में शीला को चैन नहीं, लगा उसे धोखा किए गद्दार। अम्मांक सिंदूर विद्या फेंकी, लगता पिया को दिए सब मार। पटकले हुआ पूरा हिंदुस्तान में जश्न मनावल जाता, बाहरे जवान पटक दिया अंग्रेजी पट्ठा को, ललकारा था साइमन, ललकार के कहा था कि भारत में कोई अपने माँ का दूध पिया है तो आवे लड़ ले। पटकलस भारत का लाज बचा लेलस, जश्न लोग मनावत रहले, यही का फायदा उठाई के अंग्रेज धीरे से अमरजीत के अगवा कर लेलन। रात बीतल दिन भइल, दिन बीतल फिर रात भइल, धीरे धीरे एक महीना होगा, लोग कहलन कि यार ऊ गयल कहाँ, कुश्तिया पटक के ऊ गायब कहाँ होगल पता ना चलत है। लेकिन घर में जो शीला है उनकी पत्नी, उसको चैन नहीं है, समझ गई कि लगता है हमारे पति को सब मार दिए, धमकी तो दिए ही थे, लगता है मार दिए। मांगी का सिंदूर और बिंदी चूड़ी कंगन सब फेंक दलस, कलश विधवा बन के जिंदगी बिता ले, सर का पत्नी है आय है। लेकिन जब ने समय अमरजीत गायब भैलन, शीला कलश की विधवा का जिंदगी बिता ले, हमारे पेट में 3 महीना का बच्चा हमारे पति का निशानी पलत है, ई बदला ले ही। लेकिन माई का हौसला बुलंद रहा, और माई अपने बेटवा के का बनावल चाहत, लेकिन देखा तर्ज हो। ऐसे तो देखा हमहन का गाना लिखे बदे कवि जी लोग होल, लेकिन मेहरारून का गीत लिखे लगे हमें आज तक ना पता चला। कभी आइन होनी हो, हाँ सही कथुअन, चाची गाना लिखत नहीं, रिंकू भैया गावत अलन, कई ठे रिकॉर्डिंग भी है उनके मोबाइल में। अबे ना जइयो वही ठेल गावे। ए भैया माता बहिन लोग गावेलिन इ बियाहे में, आ कितना नीक लगेला, आय हाय कैसे गावेलिन, कही है कि अरे हमारे बाबा के, अरे हमारे बाबा के, अरे पतरी अंगुरिया, अरे हमारे बाबा के पतरी अंगुरिया, समरी नौआ नहका तुरे, हमारे बाबा के लेकिन यार का भाव कभी जी लिखत हुन का, अरे तसीला पालत रहली, अरे तसीला पालत रहली, अरे कोखी में लाल नवा, अरे
सीला पालत रहली आ कोखी में लाल नवा बनाई बगामा पहलवानवा बच्चा पेट में पालत रहली ना और सीला यह कहा था इन कि जैसे ही लड़का पैदा होई एक बाप के तरह नामी पहलवान बनाई जैसे फौलाद जिगर रहे कामा पहलवान के वैसे ही कामा पहलवान नियर एक बड़का पहलवान बनाई आए हाय भयल का अरे उचिता समय पर उजियार भइले रखले पाना मामा बनाई पकामा पहलवानवा माई समरजीत रखले पाना मामा बनाई पकामा पहलवानवा माई समरजीत रखले पाना मामा उचित समय जब आयल हो माई का कोख उजियार भयल माई का जब कोख उजियार भयल माई कहलिन की लोग कहला लड़का का का नाव रखाई कहला जब ये लड़का पेट में जब आयल वही समय ये लड़का का पिताजी बड़ा प्यार से कहलन कि अगर लड़का होई तो ये लड़का का नाम रखाई समरजीत बाप का नाम अमरजीत अब बेटवा का नाम समरजीत कहलस की अगर बिटिया हो जाई तब कह आय हाय 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 अगर बिटिया हो जाई तो माई का नाम सीला बिटिया अगर होई तो सीता जैसन पवित्र हमार बिटिया का नाम रही सीता सोच के गल हुआ तो लड़का भयल हो लड़का का नाम रही समरजीत अर्थात हर समर पे विजय प्राप्त करने वाला समरजीत माई लड़का के पाले पोसे लगलिन एकदम फौलाद जिगर एकदम करत हैं एकदम फौलादी शरीर बनावत हैं तनको से चोट चपेट लगा वो लड़का के सोहरावे ना आजकल का तो मतारी है कि लड़का के तन्नी से अगर खुरचाए भी जात हो टिटनस का सुई लगवाओ जल्दी अरे टिटनस का सुई लगवाई है तब बाद में पहले आए हाय 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 अरे हमरे लड़का के घाव लग गए लेकिन वो माई ऐसा रहली चोट लगा तो कहा ये बेटा ऐसे परियार चोट तो के झेले के हो आंधी तूफान कुछ का बचाव कली नहीं पूरा फौलाद बना देलिन जैसे पहाड़ कठोर होला चट्टान कठोर होला वही तरह चट्टान जैसन अपने बेटवा के कैलिन धीरे धीरे लड़का स्कूले जाए लगल स्कूले जाए लगल तो भयल का कहना है तर्ज है ताही मत करिया अब बिरहा एक तारीख के है दो दिन का रेस्ट ठीक है ना चला देखा ये बिरहा में नैकी धुन आप लोगन के ना सुने के मिली सब आप लोगन के जमाने वाली है स्वर्गीय रामदेव गुरुजी स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी स्वर्गीय पारस गुरुजी पद्म श्री से सम्मानित स्वर्गीय हीरा गुरुजी ये लोगन के जमाने में ही कुल गीत गवात रहे एकर लहर याद भी बनल है तनी से पावर मांगला लेकिन अगर मिजाज से गा देबा तो इन नईकी के फेल करेला नया 9 दिन और पुराना 10 दिन
सब दिन दस नौ दिन कैसे नया नौ दिन पुराना सब दिन जल्ला आवा कवन गीत था अरे कचौड़ी गली सुन गई बुल्लू गुरु का स्टाइल है हमन बतावल जला हम ही ना कहत है कि लह जाई तो शेर और ना लही तो सवा शेर लह जाई तो ठीक है ना लही तो भैया क्षमा करिया हम ना तो शेरे में है ना तो सवे शेर में है लेकिन इशारा है बुल्लू गुरु का एक अदायगी है कैसे कहें ये भैया ये कह कि सौरी अरे मन जोगियो दही जान के चुन्ना मत खा लिया नहीं काट दही है मदराम बुल्लू गुरु जी के कहते कि उनका अदाई की करते अच्छा तो गुरु जी कहे में लाज लगा था रुका मुन्ना व्यास ले ले अच्छा ठीक एकदम सोहराई के कहत हूँ दोहरावा तब दे चला आवा सोहराई के एकदम आवा बुल्लू गुरु कहा ये भैया के अरे सुन कइल मलम ए अरे सुन कइल मलम की अरे कचौड़ी गली सुन गइल मिर्जापुर के कैलो गुरु कमर हो कचौड़ी गली सुन कैला वाले चला चली धान रोप धनिया अरे री मझिम बारा से लपनिया चला चली धान रोप धनिया री मझिम बारा से बनारस से परम आदरणीय परम श्रद्धे विश्वनाथ यादव गुरुजी उतनी से के बदल के गांव है का गांव है कहा कि अरे सास मोरी अनारी अनन दच्चा कच्चो नारी की अगर ये छुआई जाई रजऊ सैया हो अरे राजा हो अरे सैया हो धरा मावा ना साई जाई गगरी छुआई जाई रजऊ अरे यार होशियार भइल बचावा अरे तब 19 के उमरिया कैल पार हो यार होशियार भइल बचावा
इसका उमरिया कैला पारो और धीरे 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 वो लड़का को उम्र के तनी भइल हा 19 साल के स्कूल में जात हम बैठल है एकदम चट्टान मतिन एक दिन का बात स्कूल में भयल का अरे त सोहागिन या भागिन पाठ मास्टर साहब पढ़ावत होन स्कूल में का अरे त सोहागिन या भागिन पाठ गुरुजी पढ़ावला यार होशियार भैला बचावा माई से पूछे लातबती खार हो यार होशियार भैला बचावा माई से पूछे लातबती खार हो स्कूल में गयल है बैठल है मास्टर साहब पढ़ावत हुन कि बच्चों सुहागिन और अभागिन का पाठ अगर धरती पे लड़की जन्म ले ले हो तो चुटकी भर मांग में सिंदूर पड़ जाला तो वो लड़की धरती से सुहागिन होके जाले ना पढ़ल हो तो वो अभागिन हो आय हाय 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 जब सुनलस कि मांग में सिंदूर है तो सुहागिन हो अब मांग में सिंदूर ना हो तो अभागिन हो लगल सोचे गुरुजी से कहलस कि गुरुजी मांग में सिंदूर कब पड़ाला कल जब बियाह हो जाला तब कह माई कहले कि हमार बियाह हो गयल हो बाऊ कहीं गयल हुमन लम्बे कमाए लेकिन सिंदूर भी ना पहिरत तो गुरुजी मेहरारू सिंदूर कब ना पहरे लीन कलिन कहलन अगर पत्नी विधवा हो पति के मृत्यु हो गया है कौनो कारणवश तो वो औरत सिंदूर ना पहरे तू अभागिन होले विधवा होले आयल है घरे माई के आगे अपन अस्ता बस्ता कापी कलम कुल फेंक देलस माई कलस कैसर रे कहे काली से स्कूल ना जाई कहे काहे कहे आज हमके मास्टर साहब सुहागन अभागन का पाठ पढ़ौलन तू बतावा काहे मांग में सिंदूर ना पहर तू हमार बाप इस धरती पे हुआ कि ना बतावा माई कहलिन कि ओ हो आज दिन आ गल बेटा तो से ना छुपाई बताई माई बतावे लगलिन कहनी कि बेटा सुना यही दिन रात बदे तोहके पाल पोस के बड़ा करत है यही दिन रात बदे तोहके फौलाद बनावत है सुना का कहे सीला अरे रोई सीला अरे रोई सीला सारा भेद बताई माई बेटावा के पाप पे तोरे साइमन गयल उठाई माई बेटावा से कलस की है बेटा उ दिन आ गल है तो बता दे थाई तोहार बाप के तो कमाए ना गल हुआ त
तोहरे बाप के अंग्रेज साइमन उठा के ले गयल। कहे कहा ले गयल माई? कहे सुना का कहे? कहे कि लाला, अरे लाला लाज पत जैसन करबे, अरे धमक देला भारी हो। अरे तो हमें बुझाला ये मोरे बचवा, अब बाप के देहला मारी हो। अरे तक के करे खातिर, अरे के करे खातिर हम सिंदूर मांग सजाई माई बेटावा से। तलेले बदला नाग पंचमी नियरो बेटा। साइमन एक अंग्रेजी पट्टा लेके आल है, तोरे बाप के धमकी देले रहल कि पटका जे, यानी अगर पटक दे बात जान से मार जेबा। तोहर बाप मनलन नहीं पटक देलन, और वही समय कुल गायब कर देलन। हमके तो लगत हो तोहरे बाप के कुल जान से मार देना ना हुआ। तो कहे माई तब हमके, कहे बेटा यही इरादा से तोहके लेके जियावत है कि एक दिन बड़ा होबा और अपने बाप का बदला लेबा। आय हाय हाय हाय। 19 साल के बाद उ लड़का जब सच्चाई जानले हाँ, तमार के खड़ा भल कले कि अरे माँ इतनी बड़ी आग अपने कलेजे में लेके जी रही है, बताई नहीं। कहे बेटा कौनो चीज का समय होला, समय से कौनो काम होला तो ठीक होला, समय से बरसात होले तो ठीक लगल, बेसमय बरसात हो तो ना ठीक लगत। कौनो काम समय पे होला तो ठीक लगल, आज समय आयल हो तो तुहके बता देली ले ले बदला। नाग पंचमी नियरात हो, तैयारी कर ले। अब लड़का तैयारी शुरू कर देले है, अखाड़े पे तो जाते रहे, तनी से अब डोज और बढ़ा देलस, और रियाज वाज एकदम मार के एकदम तैयारी करे शुरू कैले सर। देखा कवि जी आदरणी हमरे रमेश कवि जी लिखत हुन, कितना बढ़िया। देखा बिरहा 3 प्रकार को होले। हमरे आदरणी धनु चचा बैठल हुन मंच पे, जो कि बिरहा के बहुत ही शानदार कलाकार भी, अपने फन का माहिर, अपने जमाने का माहिर कलाकार, और हमार गार्जियन मंचवे पे बैठल हुन। आप बैठल हुआ तो समझ ला आप आशीर्वाद है आपको मिले। बिरहा 3 प्रकार का होले, पानी पे लकीर, बालू पे लकीर और पत्थर पे लकीर। एकर मतलब है पानी पे लकीर एक तरफ से खिंचबा, एक तरफ से मिट जाई। बालू पे लकीर एक तरफ से खिंचत जाइबा, आंधी तूफान आई मिट जाई। लेकिन जवन पत्थर का लकीर होले अमिट होले, केहू के मिटौले मिटत ना। वही तरह लेखनी विचार किसिम को होले, लपेट सपेट घसेट एकठे होले टारगेट। चला हमरे गुरु जी बतावलन, हमरे कवि जी देखा एकदम टारगेट लिखले हुन। आई टारगेट लिखले का हुन, गोइया को वजनी तौलले हुन। चला अपने लेखनी के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से वो हम ना कहते थे, हमार बड़का बहू हूं, हम कहे का मतलब एक तराजू पे तौलले हूं, नहीं का खियावल पियावल बाय। हाँ लड़का जा सकला वहां तक कि नहीं? हाँ तो जाई चाहे न जाई क्षमा करिया, पहली बार गावे थे। आवा खाई ओरिजिनल एक बसवरिया आला कहल जाला। अरे वाह, अब तो बहुत कम सुने के मिलला, बिरले बिरले गवैया गावल। लेकिन जवन ना गवा था वह हम कभी जी से रखवौले जला। ये बिरहा जब लिखायल गर्जन भैया तो कभी जी लिखलन, और कभी जी लिख के जब भेजलन तो फेयर कैले के बाद अपने गुरु जी के आगे देखौली। गुरु जी भी देखलन तो कहलन कि नहीं लिखले तो हुआ।
अभी तोहरे बदे लिखले हुआ ते के तू गावा नहीं तो लिखल तो हमारे मिजाज लायक, लेकिन तोहरे खातिन तोहरे नाम पे लिखले हुआ ते के तू ही गावा। लेकिन गुरु जी के तरफ से भी आशीर्वाद मिलल, कभी जी की ओर से भी मिलल है। आवा झूम झूम कर सावन आया, अरे नाग पंचमी का त्योहार, अरे लहार अखाड़े अंदर, अरे हो दंगल हो परियार, अरे अरे रखे गोरे हो सर्द परियार, अरे पहलवान मेरा ये कहीं होगा, अरे कुश्ती होगी यार यार, अरे हम लंदन वापिस सजाएंगे, नाग पंचमी का त्योहार आ गयल हो, जौने दिन का इंतजार रहल, आय हाय जौने दिन का इंतजार रहल उ दिन आ गयल हो, अखाड़े पे आई के अंग्रेज साइमन कहलस, ओ 19 साल पहले एक वादा कैले रहली, है कोई हिंदुस्तानी लाल जो हमारे पहलवान लुईस को पटक दे, एक पहलवान ने पटका, आज फिर आए हैं और आए हिंदुस्तान के वासियों, सुनो हमारा ऐलान है, हम इस बार जो पहलवान को लाए हैं उस पहलवान को अगर कोई पछाड़ देगा, हमारे पहलवान को कोई अखाड़े में अगर चित कर दिया, वादा करता हूं हम लोग हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, ये मुल्क छोड़ के अपने देश को लौट जाएंगे। करार जब ई सुनलन हिंदुस्तानी सब सहम गयल, रे वैजा बैठल हुअन महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनलन, कहला ई का कहत हुआ, कहला सही कहत है, अगर हम कुश्ती हारेंगे तो ये मुल्क आजाद करके हम अपने देश को चले जाएंगे, हमारे पहलवान को अगर पटक दिया कोई तो, आय हाय 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 हिंदुस्तान का पहलवान का जनाल की नटई सुखाए लगल, कहलक का हो तू जइबा, कह चुप रह मर दे, 19 साल पहले लिया ल इतना तगड़ा रह, एदा पारी अब ही देखौले ना पता नहीं कौन नमूना पेश करी, के लड़ी और तब तक एक पहलवान जौने लड़िका का नाम रहल समरजीत, समरजीत वही अमरजीत का बेटावा समरजीत, जाय के रेफरी के पास अपन नाम लिखवाए के अनाउंस कराता है, माइक में रेफरी बोलता है साइमन से कि आपके पहलवान से लड़ने के लिए हिंदुस्तान का एक वीर पट्टा मिल गया है, वो लड़ेगा,
नाम समरजीत। साइमन कहना बिल्कुल ठीक है कहना, लेकिन समरजीत अखाड़े पे आए के कलश की, लेकिन सरकार याद रहे अपन बात भुलाया मत। अगर तोहरे पहलवान के पटकत तो हमार देश छोड़ के चल जाया। कहना ठीक है, अगर तुम हमारे पहलवान को पटक दिए तो मैं तुम्हारा मुल्क को आजाद करके चला जाऊंगा, अगर नहीं पटक पाए तो याद कर लेना तुम्हारे गर्दन को काट के इसी अखाड़े के बगल में टांग दूंगा। लड़कवा कलश की हो हमें मंजूर है। आए हैं पहलवान जब सामने कैले होंगे, पहलवान के अपने बुलौलन आवाज देलन, ले करके आओ पहलवान। आए हैं भजन का हो ज्वाला तन में दाह का तपा बदले की ज्वाला तन में दाह का तपा अरे नका पोसाधारी लंदन वाला पहल बनावा समरजीत पंजा हो लिया तब मिला अरे गाँव के काट खट हो ले हो या खड़ावा अरे गाँव के काट खट हो ले हो या खड़ावा अरे समरजीत समरिया में लड़ा अंग्रेज अपन पहलवान बोलौलन आ जब पहलवान के अपने बोलौले होंगे तो वो पहलवान जब सामने आयल है अखाड़े पे तो ओकर सब ठीक रहे, हाथ दोनों ठीक है, गोड़ दोनों ठीक है, पेट सीना पीठ सब ठीक है, मुड़ी ठीक है, लेकिन अंग्रेज एक चीज छिपौले रहल, ए हिंदुस्तान से एक ठे दोगलई कैले रहे। ला कहल दोगलवा तबो रहना दोगलवा एबो हुआ दोगलवा हरदम रही है अरे न खाए के तैयार भगवती माई न रही है। ये भैया अंग्रेज जो पहलवान के बुलौले हो सब तो ठीक हो, लेकिन वो पहलवान का चेहरा ढकल है, चेहरा ढकल है, खाली दोनों आंख लौकत है, एक नाक बहरे रह सांस लेवे बदे। ये भैया है ऊपर वाला आवाज कम न हो बाबू, बना लिया सिटी न दे। ए भैया सब ठीक रहे, चेहरा पे नकाब लगल है, आंख लौकत रहे, नाक बहरे रहे सांस लेवे खातिर, बाकी सब ढकल है। समर जी देखलच कलच की है यह पहलवान लेके आल हुआ, जब मुंह है ना दिखावत हुआ, कल की इनकर चेहरा देख सकीला अंग्रेज कलन की नहीं नहीं है तो सर था, इन्हें पहले पटका तब चेहरा देखा। आय हाय लगल कुश्ती हो, जब कुश्ती होवे लगल तैयार से समरजीत दाव लगावे तो अंग्रेजी पहलवान नकाब पोष पहलवान काट दे, और जब नकाब पोष पहलवान दाव लगावे तो ओके समरजीत काट दे। लड़त 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 10 मिनट बीतल है, देखवैया देखलन तो कहलन कि अरे लगत है कि कुश्तिया बरबरे पे छूट जाई का। वही महफिल में बैठल रहलीन शीला अमरजीत का पत्नी और पहलवान समरजीत का माई,
ललकार दलिन खड़ा हो गई कहलिन के रे बेटा अरे तत्ता बतक गर्ज सीना बन के सरनिया कलस कलस की अरे बेटा दुधवा में दाग लगा देबे का यही दिन रात बदे तो के पाल पोस के बड़ा कहले है खुद दुख सह के तो के सुख दिले है ए बेटा 10 मिनट हो गई लाजन तो ही मर जो तोर बाप हाथ मिलौत अंग्रेजवन के पटकले रहे आ 10 मिनट हो गए अभी तक पटक ना पौले त लाजन मर जो माई का बहुत और बाप रे बाप ओके लगल कि जैसे कलेजे में कोई बाण मार दिले हो 440 वाट का करंट जैसे दौड़ेला तंतमार गयल शरीर और जब तंतमाया ला कलस कि अरे माई का कह देलू और तुरंत तो करे बात पैतरा बनाई के ले ले ला चरखी पे और चरखी पे ले के जब दां से ताँ से जब पटकलस तो जितना बेग में पटकले रहलन क्यों इतना बेग में उड़लन उड़ के इतना बेग में जमीन पे गिरलन जवन नकाब लगल रहे उ नकाब निकल के उधियाय गयल नकाब निकल के उधियाय गयल और चढ़ के सीना पे बैठ गल कलस की ये माई कहत रही कि दूध में दाग लगा देबे सुन दूध दूध में दाग कैसे लगी हिंदुस्तान का बेटा है ले अंग्रेजी पहलवान के पटक देले ही धराशाही के देली साइमन देखलस तो कलस की सरवाई कुल हिंदुस्तान में कुली है हुआ का तो सारे कुल पटक के सिनेमा पे काहे चढ़ जाल लुईस के भी पटक के चढ़ गयल इहो पटक के चढ़ गयल आय हाय 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 लेकिन माई माई जब खड़ा है देखलस कौड़ल आयल है अखाड़े पे और सीना पे बैठल हो समरजीत समरजीत के जोर से धक्का मरलस समरजीत सीना सीना पर से गिर गईलन माटी पे माटी पर गिरलन तो उठ के धूल झारत के कहल कि करे माई जे पटकल आकर लोग पीठ ठोकलन तू काहे हमें धक्का दे थी माई लगल रोवे कहलस कि आय है ए बेटा बड़ा दिन से तोहके तलाश रहल अब बड़ा दिन से हमरो मन में पेचीदा सवाल रहे कि हमरे मांग का सिंदूर हुआ कि ना हुआ एक ठे बात सुन का कहलस माई के गरावा लगा
की ओर नई साल का खत्म कैला पीरवा हीरवा आ उठ के बाबू के अपने गरवा लगावा हीरवा। अरे वाह, बड़ा दिन से खोजत रहला सोचत रहला कि हमार बाप कैसन हुवन, गोर रहल कि करिया रहल, नाटा रहल कि लंबा रहल। अंग्रेज लेके चल गईलन, काला पानी के सजा दे देलन कि मार देलन। बड़ा तरह तरह के सवाल उठे, लेकिन ये बेटा वो कोई और नहीं, पहले बतौली अंग्रेज दोगलाई कैले रहलन, उके हु और ना अगवा करके लेके गल रहलन अमरजीत पहलवान के। वही पहलवान के दोबारा हिंदुस्तान में लेके आयल रहलन, सोचलन हिंदुस्तानी पहलवान से एक पटकवा दे, हिंदुस्तानी के पानी हिंदुस्तानी ने से उतरवा दे। लेकिन देश के लिए, देश के बलिवेदी के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहावे से पीछे ना हटल। ए भैया पटक देता है, माई कहलिन की केहू और ना, यह तो हर बाप हुए अमरजीत। अमरजीत अखाड़े पे जब बैठलन, लोग देखलन अवाक से, अरे ये तो अमरजीत पहलवान हुए, अब ही जियत हुए। लेकिन माई रोवत है, नहीं बेटा सुन का कह, अरे पूछत रहला बाबूजी के ए हालत में पहुला, आये अमरजीत कहे ना ये सिला बढ़ के नाम पढ़ाऊला। उठ के बाबूजी चुगुर लगावा हीरावा। ए बेटा पूछत रहला ना कि तोहरे बाबूजी कहाँ हुए, यह तोहर बाबू हुए। सीला अपने पति से कहलस हाथ जोड़ के कि क्षमा करिहा अपराध के, जानत ना रहल जौन आप गईला तो 3 महीना के जौन पेटवा में बच्चा पलत रहे, आप कहत रहला कि लड़का हुई तो कर नाम समरजीत रही, बाप का नाम अमरजीत, बेटवा का नाम समरजीत, अब बिटिया हुई तो नाम उकर सीता रखाई, सीता जैसन पवित्र रही। लड़का भयल तोहरा बतावल नाम एकर अमरजीत का, बेटवा समरजीत कह देली समरजीत नाम, यह लड़का हो और गलती से आज आपके पटक देलस, बेटवा बाप के पटक देलस। आय हाय हाय, और 1947 देखा एक पॉइंट है आप लोगन के बीच में, 1947 नाक पचैया वाले दिन कुश्ती होत रहे, ठीक। और पचैया जब नाक पचैया कब पड़ेला, सावन में, सावन के बाद का आया वाला भादो, भादो वाला जनवरी फरवरी के हिसाब से अगस्त वाला जल्ला। तो अंग्रेज भी अपने वादा पे कायम भइलन, हिंदुस्तानी इतना नकुवन चना चबवा देले रहलन, लचार होके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में स्वतंत्र संविधान लागू किया गया। ए भैया पटकलस अमरजीत कलस की ना, लड़के बाप से बढ़के, लड़का से तो लड़ली जरूर, बड़ा पहलवान से लड़ली, लेकिन आज लड़े का मजा आयल है। एक बात और कहना का, अरे तबा फैलाई अमरजीत, अरे समरजीत को गले लगाए, अरे मात या भागन बने सुहागन, अरे जीत का जश्न मनाए।
अमरजीत समरजीत के गले से लगा लेलन की बाहरे बेटा हमें गर्व है कि हमारा बेटा मर्द है और देश के लिए लड़ा। मात या भागन बनी सुहागन जीत का जश्न मनाए, आजाद वतन हो खैला पाने कभी रवा। तो ये है हमारे देश की कहानी, लेकिन ये बिरहा की कहानी है। एक लाइन तनी बिरहा से हट के, और हम चाहब कि गीत के लिखे वाले आदरणीय हमारे रमेश कवि जी हेतमपुर चंदौली हमन के बीच में बैठे लूंगन। हमें लगता है कि हमारा हमें आजादी सिर्फ हम पुरुष लोग को ही मिला है। खाली आदमी के आजादी मिलल, हम महिलन के आजादी ना मिलल। काहे से? काहे से कि आज भी महिला लोगन के कदम कदम पे अपने इज्जत को गुहार लगावे के होला। कब के हर से कवन शिकारी आई, कवन दबोची का हाल करी, कोई ठीक ना हो ना हो। अभी ज्यादा दिन ना बीतल हो, बंगाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आरजीकर मेडिकल कॉलेज, और उ मेडिकल कॉलेज में जूनियर ट्रेनी डॉक्टर डॉक्टर ममिता देवनाथ जेकरे साथ बदसलूकी कैल गए। इतना बदसलूकी कि पैर के तोड़ के 90 अंश का कोड़ जैसे होला, वो तरह तोड़ के मतलब ई पंजा ई पैर का पंजा यहर से कपार में छुअत हो, ई पैर का पंजा यहर से हाथ तोड़ देवल गल हल, गर्दन इतना जोर से मरोड़ल गल हल कि हलक से जुबान बाहर आ गई हल, चेहरा पे इतना जोर से मारल गल हल कि चश्मा का शीशा फूट के आंख में धस गल हल। पैल्विक कडल एक हड्डी होले, वो हड्डी बुरी तरह से टूट गई हल। लेकिन आज भी राजनीति के चक्कर में केस अभी सुलझल ही ना हो, फसल हो वही में। कुछ लोग कहतुअन ई मुजरिम हुआ, कुछ लोग कहतुअन उ मुजरिम हुआ, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री एक जबान ना उठौली। और वहीं पे जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगावल गयल तो चिट्ठी लिखत इन प्रधानमंत्री को कि दोषियों को सजा मिले। कई दिन बाद 22 दिन बाद 22 दिन कहाँ रह, तमाम तमाम बात हो। तो आजादी हमें मिली है, लेकिन ये आजादी जाया न होए। आप लोग एकता बना के अगर रहबा तो ठीक हो, नहीं तो फिर से हिंदुस्तान के गुलाम होए में टाइम ना लगी। फलाने मियां हुआ, फलाने हिंदू हुआ, फलाने चमार हुआ, फलाने अहीर हुआ, यह करबा तो फिर से गुलामी इस देश में आ जाए। तब गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका गुरु राम लाल राज नारायण कवि नरेश विजयी प्यारे लाल अरे बोली से निकले बंदे मातरम, अरे बोली से निकले बंदे मातरम, परमद कबीर रमेश जी लिए ज्ञान की झोली।